आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। एक मत पोस्ट द्वारा अपनी वेबसाइट के जरिए एक पोल करवाकर लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनके पसंदीदा व्यक्ति के बारे में सवाल पूछा गया था। इस पोल में कांग्रेस नेता सुमन शर्मा ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया है। पोल में कुल 7,771 लोगों ने वोट डाले। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर खेमे से जुड़े सुमन शर्मा ने 4,782 वोट लेकर 62% वोट हासिल किए हैं। इसी पोल में पूर्व CPS विनोद भ्याना दूसरे स्थान पर रहे, उन्हें 23% वोट मिले हैं। खास बात यह रही कि तीसरा बड़ा तबका उन लोगों का रहा जिन्होंने सभी को नकारते हुए इनमें से कोई नहीं के बटन पर क्लिक किया। वहीं तीसरे व्यक्तित्व के तौर पर लोगों ने डॉक्टर लवकेश टुटेजा के नाम पर अपनी मोहर लगाई है। इस पोल के मायने ये कतई नहीं है कि चुनाव में जीत किसकी होगी या फिर चुनावी मैदान में कौन से प्रत्याशी उतरेंगे। इसके मायने सिर्फ ये हैं कि सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग किसे ज़्यादा पसंद करते हैं। हैरत की बात यह भी है कि मौजूदा विधायक रेणुका बिश्नोई इस पोल में काफ़ी पीछे रही। पूर्व मंत्री सुभाष गोयल को 112 व विनोद मेहता को 97 वोट मिले। वहीं सुरेंद्र मक्कड़ को 70 तथा धारा सिंह को 38 लोगों ने वोट दिया। रेणुका बिश्नोई को 68 तथा प्रवीण तायल को 45 लोगों ने अपनी पसंद बताया है। हम आगे भी इसी तरह के पोल करवाकर आपकी राय जानने का प्रयास करते रहेंगे।